हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और बिल्कुल क्विक, केवल 2 मिनट में बनने वाली रायते की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, और वो भी स्पेशली आप बना सकते हैं बिरयानी और पुलाव के साथ। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाय किए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही मज़ेदार रायते की रेसिपी, और उसके साथ ही रायते के स्वाद के साथ आपको मिलेगा इसमें सब्जियों का भी टेस्ट। तो यहाँ पर लगभग मैंने 200 ग्राम दही इस्तेमाल किया है, जो आप देख सकते हैं कि कितना मजेदार दही है और उसके कितने अच्छे से, मतलब लाइक क्लेयर्स की तरह बनी हुई है। और आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आनंदा डिलीशियस दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनका जो दही होता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है, मैं पर्सनली इसे इस्तेमाल करती हूँ। और दही को डालने के बाद अब मैं विस्कर की मदद से सबसे पहले तो इसे फेंट लेती हूँ अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ उसी ग्लास में लेकर, लगभग मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आधा ग्लास पानी, उसी ग्लास सेम ग्लास में मैंने पानी ले लिया है, ताकि जो हमारा बचा हुआ दही है थोड़ा सा ग्लास में वो भी इसी के साथ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया लगभग आधा ग्लास दही, और यहाँ पर मैंने विस्कर की मदद से अच्छे से दही को फेंट लिया है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और अब मैं इसी के साथ ही डाल देती हूँ लगभग 1 खीरा, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है वॉश करके। अब खीरे को इसी में डाल देती हूँ। मैंने रायते में थोड़ा सा पानी इसलिए ज़्यादा रख लिया है क्योंकि सब्जियों को डालना है ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया। अब इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर, मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज, लगभग 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1/2 टीस्पून काला नमक। और अब मैं इसी के साथ डाल रही हूँ लगभग चुटकी भर लाल मिर्च। लाल मिर्च केवल मैंने कलर के लिए इस्तेमाल की, डालने के बाद इसे अच्छे से करना है मिक्स, और उससे पहले हमें डालना है इसमें चीनी। चीनी से जो हमारा टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा और मीठा रहेगा रायते को, और बहुत ही मजेदार फ्लेवर रहेगा। और इसे अब हमें करना है अच्छे से मिक्स, और इसी रायते के साथ ही डालना है हमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी सब्जियों के साथ ही दही के साथ मिक्स करना है। देख सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सब्जियों के साथ है तो कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे आज की ये इजी क्विक रायते की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड टू डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।